सवाल नंबर एक, कौन से नबी ने पूरी जिंदगी अपना घर तामीर नहीं किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत आदम अलैहिस सलाम, बी हजरत सालेह अलैहिस सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत सालेह अलैहिस सलाम ने पूरी जिंदगी अपना घर तामीर नहीं किया था। सवाल नंबर दो, किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए मक्की सूरतों को, बी मदनी सूरतों को, सी हामीम वाली सूरतों को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हामीम वाली सूरतों को कुरान मजीद का दरवाज़ा कहा जाता है। सवाल नंबर तीन, अल्लाह तबरक व तआला ने इल्म नुजूम सबसे पहले किसको अता फरमाया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह तबरक व तआला ने सबसे पहले इल्म नुजूम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। सवाल नंबर चार, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया? आपके ऑप्शन है ये, ए शरीफा, बी अनार, सी खजूर, डी शेब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया में सबसे पहले फलों में खजूर खाई गई थी। सवाल नंबर पाँच, हसद गुनाह सबसे पहले किससे हुआ था? आपके ऑप्शन है ये, ए काबिल से, बी हाबिल से, सी इबलीस से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हसद गुनाह सबसे पहले इबलीस से हुआ था। सवाल नंबर छः, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन है ये, ए सऊदी अरब, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान, डी इराक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक में मौजूद है। सवाल नंबर सात, ईमान की कितनी शाखें हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए 40, बी 60, सी 72, डी 80। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल नंबर आठ, असहाबे कहफ कितने सालों तक लगातार सोते रहे? आपके ऑप्शन है ये, ए 300 साल, बी 400 साल, सी 500 साल, डी 700 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, असहाबे कहफ 300 सालों तक लगातार सोते रहे। सवाल नंबर नौ, कयामत के दिन लोगों को कितनी मर्तबा अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ये, ए एक मर्तबा, बी दो मर्तबा, सी तीन मर्तबा, डी चार मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी,
कयामत के दिन लोगों को अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा पेश किया जाएगा। सवाल नंबर 10, उस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके 4 मुंह हैं? आपके ऑप्शन हैं ये, ए बर्क, बी शमद, सी मशराइल, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जिस फरिश्ते के 4 मुंह हैं उसका नाम बर्क है। सवाल नंबर 11, आसमान के काबे शरीफ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए बेतुल हम, बी बेतुल मामूर, सी बेतुल मुकद्दस, डी बेतुल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, आसमान के काबे शरीफ का नाम बेतुल मामूर है। सवाल नंबर 12, पत्थरों की बारिश किस कौम पर हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ये, ए कौम लूत, बी कौम समूद, सी कौम आद, डी कौम बनी कतूरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, पत्थरों की बारिश कौम लूत पर हुई थी। सवाल नंबर 13, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया उस वक्त काबिल कितने साल का था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 17 साल का, बी 20 साल का, सी 25 साल का, डी 30 साल का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त काबिल की उम्र 25 साल थी। सवाल नंबर 14, हर जन्नती को कितने खादिम मिलेंगे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 40,000, बी 50,000, सी 70,000, डी 80,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हर जन्नती को 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल नंबर 15, जो शख्स जादू करता है या करवाता है या सीखता है या सिखाता है वो भी कुफर करता है और कुफर शिर्क है और शिर्क का अंजाम जहन्नुम है। पेट में दायमी दर्द रहना, पेशाब करते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना या रात को बार बार पेशाब आना, अजीज दोस्तों ये पिलाए गए जादू की सबसे बड़ी अलामत है। यानी कि आपने इतना पानी ना पिया हो लेकिन बार 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 आपको वॉशरूम आ रहा हो, यानी कि आपने अभी पेशाब किया, थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो कि पेशाब के कतरे निकलने वाले हैं, पेशाब निकलने वाला है, पेशाब फिर से आना शुरू हो चुका है, तो अजीज दोस्तों आधे घंटे बाद दोबारा वॉशरूम में जाना पड़े। यानी कि पेशाब का बार बार आना काले जादू की, पिलाए गए काले जादू की सबसे बड़ी अलामत और निशानी है। इसके अलावा पेट में दायमी दर्द रहना, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम रहना, मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर होना, या मेडिकल ट्रीटमेंट चल भी रहा हो, मेडिसिन चल रही हो, उनके इस्तेमाल के बावजूद भी आप दोबारा शिफायाब ना हो सकना, या डॉक्टर की नज़र में, मेडिकल टेस्ट की नज़र में आप बिल्कुल शिफायाब हो, तो अजीज दोस्तों आप समझ जाएं कि आपके जादू का, पिलाए गए जादू का असर मौजूद है। ये जादू आपको किसी चीज के जरिए पिलाया गया है, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, और ये जादू किसी एक इंसान को पिलाया नहीं जाता। यानी हो सकता है कि वो तमाम इफराद एक महफिल में बैठे हों, तमाम लोग चाय पिए, जूस पिए, पानी पिए, लेकिन जादू का असर सिर्फ उसी इंसान पे होगा जिसके लिए जादू किया गया है। तो अजीज दोस्तों इसका इलाज कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आपने आबे जमजम लेना है। अब उसमें अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ या दुरूद इब्राहिमी, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं 3-3 मरतबा, और 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फातिहा, 21 मरतबा 21 टाइम्स आयतुल कुर्सी, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह इखलास यानी कि कुल हु अल्लाह, 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह फलक और सूरह नास, आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उस आबे जमजम पे दम कर दें। वो पानी आप डेली नहार मुंह पीना शुरू करें, जैसे जैसे आपको पेशाब आता रहेगा वैसे वैसे आपके अंदर से जादू निकलना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ता लगातार 7 दिन आपने यह अमल करना है, 8वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप पे कभी कोई जादू था ही नहीं।
याद रखें, शिफा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की है।